अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स पे बात करने जा रहे हैं जो कि अभी जो नए स्टूडेंट वापस आ रहे हैं उनके साथ अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर भी करना चाह रहा हूँ और उनका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है इन पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जो नए स्टूडेंट्स और आ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स ना हो और हमें इसका सोल्यूशन भी बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो अभी तमाम स्टूडेंट के साथ हो रही है वो ये है कि उनको RM भी नहीं मिल रहे और अगर वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से लेके आ रहे हैं तो उनको बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है कैश में। तो उसका मैं आपको हल बताऊंगा कि RMB कैसे खरीदना चाहिए और आप पाकिस्तान से कितने RMB लेके आओ साथ में, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर आके पे करना होता है होटल के लिए और क्वारंटीन के लिए और डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए, तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। और दूसरी प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ ये आ रही है कि उनके VPN नहीं चल रहे और उनकी ऐप्स नहीं चल रही, उनका गूगल या उनकी व्हाट्सएप नहीं चल रही, क्योंकि उनके उन्होंने जो फ्री VPN डाउनलोड किए हुए थे वो उनके काम नहीं कर रहे चाइना में। क्योंकि आपको पता है कि चाइना की प्राइवेसी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि वो कैसे किया जाए। और जो तीसरी प्रॉब्लम अभी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ आ रही है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी और सिटी क्वांगचो में क्वारंटीन कर रहे हो लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी वुहान में है, तो आपका जो वहां से टिकटिंग है वो नहीं हो रही, आपकी टिकट वो नहीं करवा के दे रहे हैं जो होटल वाले हैं या आपके टीचर्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे इसमें। मैंने अभी काफी लोगों की हेल्प की है, तकरीबन 8 से 9 लोगों की तो मैं हेल्प कर चुका हूँ टिकट खरीदने में, ठीक है। उसका भी मैं आपको हल बताऊंगा कि वो कैसे आप खरीद सकते हो, ठीक है। आपने अगर किसी आप क्वांगचो में क्वारंटीन में और आपको वुहान जाना है उसकी टिकट कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चले आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो और सबसे पहली प्रॉब्लम वो ये है कि जब आप पाकिस्तान से मूव कर रहे हो और आपको RMB चाहिए, तो मैंने सुना है कि लास्ट डेज में 40 रुपीज़ का एक RMB दे रहे हैं और ऑनलाइन वो 32 का है, तो मतलब कि आपको 8 रुपया ज्यादा महंगा मिल रहा है। यार ये तो कोई कोई मतलब तरीकाकार नहीं है ना, अगर आप कैश में ले रहे हो और इतना एक्सपेंसिव ले रहे हो। क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये शेयर की प्रॉब्लम, तो मैंने वो ले चुके थे, वो ऑलमोस्ट ले चुके थे, वो ट्रांसफर करने वाले थे और उन्होंने मुझे अचानक ऐसे मैसेज कर लिया कि यार इतने का हमें RMB मिल रहा है ले लें। मैंने कहा यार इतना इतना RMB महंगा तो कभी भी सेल नहीं हुआ कि 8 रुपया ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो मैंने उन्हें रोक दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि आप बिल्कुल आप उनसे RMB मत लो क्योंकि इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर ऑनलाइन रेट 31 है या 32 है तो उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, 33 में मिल जाएगा या 32.5 में मिल जाएगा या 30 मैक्सिमम जो होगा वो 34 में मिल जाएगा या 33.5 में मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। 2 रुपया महंगा हो सकता है, 8 रुपया महंगा कभी भी RMB नहीं सेल हुआ, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ एक सोल्यूशन शेयर करूंगा कि आपको अगर RMB चाहिए तो आप पाकिस्तान से इतने ज्यादा RMB मत लेके आए या डॉलर्स मत लेके, क्योंकि आपको होटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती तो आप वो एक्सचेंज नहीं करवा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कुछ RMB फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम अगर आपने लानी है तो 500 RMB अपने साथ कैश में ले आए, बाकी जो RMB है ना वो यहाँ से ले लें, यहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर जॉब्स कर रहे होते हैं और उन्होंने अपनी सैलरी जो होती है पाकिस्तान में सेंड करनी होती है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उनसे परचेज करने में, ठीक है। लेकिन वो जो रेट होगा ना वो इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन रेट 32 है तो वो 32 में नहीं आपको कभी भी देंगे, क्योंकि बहुत से एजेंट्स बैठे हुए हैं जो उनका महंगे में सेल करवा रहे हैं। तो जो भी मार्केट का रेट होगा उसमें मैं आपको वो लेके अपने पास रख लूंगा, ठीक है। जब आप चाइना में पहुंच जाओगे तो जिस होटल में आप होगे जहां पर भी आपको RMB की जरूरत पड़ेगी मैं आपने मुझे वो QR कोड सेंड करना होगा और मैं वो आपका पे कर दूंगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसे ऐसे ही हेल्प की है, वो बेचारे इतना महंगा ले रहे थे RMB, मैंने कहा यार आप अपने पैसे मत जाया करो, आप कुछ इतनी हेल्प चाहिए चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने RMB सेल करना था, मैंने उनसे वो RMB पकड़ा अपने पास रख लिया। तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनसे मैंने कहा कि आप मुझे पाकिस्तान से पैसा पाकिस्तान में ही ट्रांसफर कर दो, ठीक है, उन लोगों के घर वालों को जो मुझे पैसे दे रहे थे यहाँ पर RMB। तो वो मेरे पास आ गए RMB, तो उनके जब उन्होंने होटल के लिए देने थे तो मैंने वहां के उनसे पे कर दिया, ठीक है। उन्होंने दूसरे को काम करने थे, फॉर एग्जाम्पल टिकट करवानी थी, कोई कुछ चीजें लेनी थी, कोई VPN लेना था, तो भाई उन्होंने मुझे बताया भाई इस बंदे को पे कर दो, मैंने वो QR स्कैन किया और उनको पे कर दिया। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है ये, आपको सिर्फ ट्रस्ट इशू होता है इसमें, तो भाई मैं बैठा हूँ ट्रस्ट इशू के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की। अगर आपको RMB चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको सस्ते में RMB ढूंढ दूंगा
और जितना भी आपको पे करना होगा आप मुझे कह सकते हो। मैं यार थोड़ा सा यही कर सकता हूँ ना कि आपकी हेल्प कर दूंगा जितने भी आपको जहाँ जहाँ पे करने हो गया, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि चलो आपका भी फायदा हो जाएगा और जो मेरा दोस्त है यहाँ पर होगा जिन्हें सेल करना होगा उसका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों का फायदा हो रहा है और बीच में चलो शायद कोई मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। शायद आप मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, चलो मेरा भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला काम आप जेहन में रख लें कि ऐसे RMB आप ले लें कि पाकिस्तान से सिर्फ 500 RMB या 600 RMB अपने साथ में रखें, क्योंकि शायद आपको रस्ते में जरूरत पड़े। जब आप होटल में पहुंच जाओ, होटल में वहां पे उनके पास QR कोड होगा, आप मुझे वो सेंड करें, मैं वो पे कर दूंगा आपके, ठीक है। आप मुझे पाकिस्तान से पाकिस्तान में दे दें पैसे और जो जहां पर होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की ऐसे हेल्प कर दी है तो मुझे लगा कि यार इस पर एक वीडियो भी बना दूं, शायद कोई और बंदे का भी भला हो जाए। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो कि VPN नहीं चल रहे लोगों के, बहुत ज्यादा लोगों के VPN नहीं चल रहे हैं। अगर किसी का VPN नहीं चल रहा हो तो भाई मुझे Instagram पर फॉलो कर ले, मैं अपने WeChat ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे WeChat ग्रुप में आ जाएं, वहां पर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अगर आपको पेड VPN लेना है तो मैंने कल अपने Instagram पर स्टोरी भी डाली थी, अगर किसी बंदे को पेड लेना है, क्योंकि कुछ बंदे अब इस फ्री वाले VPN से तंग आ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये सही नहीं चलता। डेफिनेटली फ्री वाला सही नहीं चलता चाइना में, क्योंकि ये पाकिस्तान में प्राइवेसी तो होती है ना कि हमने सिर्फ कंट्री रीजन चेंज करने का, यहाँ पर तो वो सीन नहीं रहता, यहाँ पर तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है मामला जो है ना। तो इसलिए फिर पेड VPN मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप पहले से ना अपना एक पेड VPN ले लो। एक साल में कोई कोई 100 RMB या 80 RMB या 90 RMB या 60 RMB को इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आप लोग मिलकर लोगे तो वो सस्ता पड़ेगा, अगर आप अपना अपना लोगे, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा पड़ जाएगा तकरीबन 100 RMB या 80 RMB में, 80 RMB से लेकर 100 RMB में पड़ेगा। लेकिन वो 1 ईयर पैकेज होगा, उसमें आप सुकून से अपना 1 ईयर है ना, जो प्राइवेसी को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में ही हो और जैसे आपको कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। तो अगर किसी को VPN चाहिए तो वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसको VPN लेने में भी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे Instagram पर फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपको अपना WeChat शेयर कर दूंगा, अपने WeChat पर आप मुझे ऐड कर लो, ठीक है। मैं आपको वो डाउनलोडिंग कैसे करनी है वो भी बता दूंगा और पूरा आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। ये नहीं होगा कि मैं आपसे पैसे ले लूं और आपका काम करवाऊं, प्रॉपर तरीके से आपका डाउनलोड करवा के, आपका इंस्टॉल करवा के, आपकी जो आपको पैकेज करवा के फिर मैं आपकी जान छोड़ूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हमारे बहुत से दोस्तों के साथ आ रही है वो ये है कि भाई जो टिकटें वाली, ठीक है, टिकट नहीं हो रही लोगों, काफी लोगों की टिकट्स नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन नंबर नहीं है और कुछ के पास बैंक कार्ड नहीं है, ठीक है। तो उनकी हेल्प भी मैं कर सकता हूँ, अगर किसी को टिकट करवानी है तो भाई वो भी मुझे Instagram पर मैसेज कर ले, मैं उसकी टिकट भी करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वारंटीन एक सिटी से है और दूसरा सिटी में आपने मूव करना है, आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी सिटी में है, तो भी आप मुझसे रब्ता कर लें, तो भी मैं आपका वो काम करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भाई बिला झिझक मुझे Instagram पर मैसेज कर सकते हो, आपकी मैं जितनी हेल्प हो सकता मैं करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप यार मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, Instagram पर भी फॉलो कर रहे हो, तो मेरा भी कोई हक बनता है यार, मैं भी आपके लिए कुछ करूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बिला झिझक Instagram पर मैसेज कर लो, ठीक है। और बहुत से लोग अभी मेरे WeChat ग्रुप में ऐड हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा एक माहौल बन रहा है, और चाइनीज पर भी हम काम कर रहे हैं कि वो चाइनीज फ्री वाली जो चाइनीज है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि अभी वो जो टीचर्स हैं ना उनके एग्जाम हो रहे हैं, तो जैसे ही उनके एग्जाम खत्म होते हैं तो हम ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी लोग बिजी हैं इस मामलात में, तो मैं नहीं चाह रहा किसी को भी हम डिस्टर्ब करें, क्योंकि आपको पता है सब हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम आ रही हो, टिकट करवानी है, आपने टिकट नहीं हो रही, आपकी पाकिस्तान से टिकट नहीं हो रही, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर लो, शायद मेरे पास कोई हल हो, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे Instagram पर मैसेज कर सकते हो। तो इसी के साथ ही वीडियो करते हैं एंड, अल्लाह हाफिज, टेक केयर गाइज़।